किया था। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सभी समुदायों एवं धर्मों के रीति रिवाजों के अनुसार विवाह की व्यवस्था है। इस योजना के तहत अब तक 3,26,000 से अधिक जोड़ों के विवाह संपन्न कराए गए हैं। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की पावन नगरी गोरखपुर में आज माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से 1,000 जोड़ों के विवाह का आयोजन संपन्न हो रहा है। आप सभी को सुखद दाम्पत्य जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। लोक कल्याण की इसी भावना के अनुरूप जुड़ने जा रहा है एक और नया अध्याय। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर में 252 करोड़ रुपए की 91 विकास परियोजनाओं का किया जा रहा है लोकार्पण। सपने हो रहे साकार, डबल इंजन की सरकार। मंच पर आसीन हम सभी के परम श्रद्धे गोरख पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को शत-शत नमन करते हुए विनम्र अनुरोध है कि बसंत उत्सव के इस पावन पर्व पर नवयुग पंथ को अपने आशीष वचनों से भारत माता की भारत माता की भारत माता की बसंत पंचमी के आज के इस पावन पर्व पर गोरखपुर में 1,000 जोड़ों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में और गोरखपुर के विकास से जुड़ी हुई 252 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक गण श्री विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, युधिष्ठिर सिंह जी, राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी गण, आज के इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 1,000 जोड़ों के साथ ही वर और वधु पक्ष से उपस्थित सभी बहन और भाइयों, बसंत पंचमी का पावन पर्व है। प्रकृति आज अपने सौंदर्यता के चरम की ओर अग्रसर होते हुए आप सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है और इस अवसर पर 1,000 जोड़े मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत दांपत्य जीवन में प्रवेश करके एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से इन सभी परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देते हुए इन सभी 1,009 दंपतियों को उनके नए जीवन की हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में एक सतग्रस्त के लिए विवाह भी एक संस्कार है और उस संस्कार के माध्यम से वह अपनी पैतृक परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इस सृष्टि की रचना, जीवन चक्र, ये सब इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन समय के अनुरूप किसी कालखंड में इसमें सुधार हुए होंगे, परिवर्तन हुए होंगे, लेकिन विकृतियां भी आई, कहीं पे बहु विवाह की आई, कहीं पे बाल विवाह की आई, कभी दहेज प्रथा की आई, तलाक जैसी कुप्रथाएं आई,
यानी ये जितनी भी कुप्रथाएं थी ये आधी आबादी की विरोधी थी, महिला विरोधी थी, बेटी विरोधी थी, और इसीलिए इन कुप्रथाओं से बचने के लिए लोगों ने बेटी ही ना बेटी हो ही ना इस पर भी इस प्रकार के तमाम कुत्सित प्रयास होने लगे। याद करिए मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया। बेटी बचेगी तभी पढ़ेगी और जब पढ़ेगी तभी बड़ी होगी और फिर अपना योगदान देश के लिए समाज के लिए दे पाएगी, तब परंपराएं आगे बढ़ पाएंगी। और कहते भी है ना कि एक बेटी एक परिवार का ही नहीं, केवल अपने लिए नहीं पूरे परिवार की और पूरे खानदान को आगे बढ़ाने का काम करती है। और यह कार्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाने के साथ तमाम प्रकार की योजनाएं आई। 2017 में जब मुख्यमंत्री बना था तब मेरे सामने समस्या आई थी कि बेटी को बचाने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। पहला कार्यक्रम हमने लिखाया था कन्या सुमंगला योजना की, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सरकार उसको सहयोग करेगी, निशुल्क शिक्षा के साथ साथ आर्थिक सहयोग दे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है अब तक 17 लाख से अधिक बेटियों को हम लोग पैसा उपलब्ध करवा चुके हैं। 15,000 रुपए हर बेटी के हिसाब से पैसा जा रहा है। अब अप्रैल से यही राशि 25,000 हो जाएगी। इसलिए एक कार्य तो बेटी के लिए एक पैकेज और दूसरा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार के स्तर पर जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, इस प्रयास के क्रम में अब तक 3 लाख से अधिक बेटियों की शादी हम संपन्न कर चुके हैं। और उस क्रम में आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर में भी बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर ये मां ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के पूजन का दिवस है। अगर बुद्धि है तो विवेक है और विवेक है तो सारे कार्य अपने आप ही ठीक होते हुए जाते हैं। सारे कार्य अपने आप मां सरस्वती की कृपा होते हैं तो कुछ भी प्राप्त हो सकता है और कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन जब मां सरस्वती कुपित होती है तो कुंभकर्ण को भी सिंहासन की बजाय निद्रासन मिल जाता है। तो वही स्थिति है मां सरस्वती के इस पावन पर्व पर। आज 1009 दंपतियां वैवाहिक बंधन से युक्त होकर के एक नए जीवन में प्रवेश कर रही है। प्रत्येक विवाह के लिए सरकार ने 51,000 रुपया उपलब्ध करवाया है, जिसमें 35,000 रुपये की राशि उनके अकाउंट में जा रहा है, बाकी अन्य खर्चे उनके लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। इन सभी कार्यक्रमों को आयोजित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये गरीब बेटियां उन परिवारों की बेटियां और बहुत सारे संपन्न परिवारों के भी बच्चे आज सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अब मुझे बताओ क्या आज मैं स्वयं भी आपके यहां इस वैवाहिक कार्यक्रम में आया हूं? अगर कोई लाभ चाहता कि उनके घर में शादी विवाह का कार्यक्रम हो मैं आऊं तो नहीं आ सकता था क्योंकि इतनी व्यस्तता रहती है। लेकिन मैंने कहा गोरखपुर में 1,000 विवाह हो रहे हैं उन सब में जरूर शामिल होगा तो एक तो मैं भी यहां आ गया। मुझे भी इन बेटियों की शादी के कार्यक्रम को देखने का अवसर प्राप्त हो गया। रवि किशन को वैसे आप देखते बुलाते तो कहता कि नहीं 15 लाख रुपया लूंगा, मानता ना। अजय दा रवि किशन की फिल्म कितने लोगों ने देखी? ये पीछे महिला है तो हाथ खड़े करे, कितने लोगों ने रवि किशन की फिल्मों को देखा है ना।
फिल्म अच्छी लगती है? कितने लोग हैं जो रवि किशन के साथ फिल्मों में काम करना चाहते हैं? और पूरा ही पंडाल काम करना चाहता है। अच्छा बताओ, क्या रवि किशन फिल्म में फ्री, अगर वैसे आते किसी के ब्याह में तो क्या फ्री में गाते क्या? आप देखो फ्री में भी गाया उन्होंने दो गाना, तो आम के आम और गुठली के दाम। सरकार की योजना भी सफल हो गई, सांसद आपके ब्याह में शामिल भी हो गए और आपको फ्री में उनका गाना भी सुनने को मिल गया। मैंने कहा भाषण मत दो, भाषण तो बहुत लोग हैं देने वाले, वहां गाना गाओ लोगों के लिए, लोग वही पसंद करते हैं। और आपने पसंद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे खुश आज आप हैं, ये खुशी हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, यही मैं बाबा गोरखनाथ से प्रार्थना करता हूं, प्रभु राम से ही प्रार्थना करता हूं। दूसरा, हम इस बात को जरूर ध्यान में दें, बाल विवाह नहीं होने देना, दहेज भी न लेना है न देना है। तलाक जैसी कुप्रथाओं को सदैव के लिए समाप्त करना है, बहु विवाह भी नहीं होना है। ये हमें सुनिश्चित करना होगा, ये अमानवीय है, महिलाओं पर अत्याचार है, आधी आबादी का अपमान है। और इसलिए सरकार आपके साथ खड़ी है, हर संभव सहयोग करेगी, हर प्रकार का प्रोत्साहन देगी, आधी आबादी की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए महिला स्वयंसेवी समूह संचालित है। हम लोगों ने व्यवस्था दी है, जहां पर किसी गांव में राशन कोटे की दुकान का विवाद होगा, वहां की महिला स्वयंसेवी समूह उस व्यवस्था का संचालन करेगी। 55 लाख से अधिक गरीबों को मकान दिलाए गए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, आधे से अधिक आवास का मालिकाना अधिकार महिलाओं के नाम पर। 90 लाख पीएम स्वामित्व योजना में जिस जमीन पर मकान है उसका मालिकाना अधिकार महिलाओं के नाम पर उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया है। ये सभी कार्य महिला सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का ही क्रम है, और ये सामूहिक विवाह का ये कार्यक्रम भी इसी क्रम में आगे बढ़ रहा है। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सदैव यही खुशी बनी रहे, आपका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। इसी दृष्टि आज मैं फर्टिलाइजर कैंपस में आयोजित इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और जब विवाह का कार्यक्रम होगा तो खुशी आपके घर में भी हो और पूरे जनपद में भी हो। तो जनपद की 252 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण भी हो रहा है, जनपद वासियों को भी इसके लिए बधाई। इसमें सड़क के भी कार्य हैं, शिक्षा के भी हैं, स्वास्थ्य के भी हैं, बाढ़ से बचाव के भी हैं, पेयजल के लिए भी हैं। देखिए सामूहिक विवाह का कार्यक्रम यहां पे हो रहा है, लेकिन अब पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, अब तो हर घर नल की योजना से आपके घर में ही पानी आएगा। पानी अगर घर में आएगा तो पानी की एक एक बूंद को भी बचाना है, जल संरक्षण के उपाय को आगे बढ़ाना है। अगर हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ये जल हमें अनंत समय तक मिलता रहेगा। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति से मनुष्य भी स्वस्थ होगा, बीमारियां से बचाव होगा, स्वास्थ्य के लिए जो पैसा खर्च होता है उसमें भी बचत होगी। सरकार की योजनाओं का लाभ आपको देने के लिए डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है, और आज हम सब इसी विश्वास के साथ आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 1000 दंपतियों को वैवाहिक बंधन में जुड़ने के लिए उनके परिवार के सभी सदस्यों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं।
और यहां पर जितने भी उनके परिवार के सदस्य आए हैं, दोनों ओर से आए हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी है। वे लोग भोजन पा करके जाएंगे, नातेदार रिश्तेदारों को भोजन पवा करके जाएंगे और फिर प्रशासन उन्हें सकुशल उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करेगा। वे आराम से यहां से जाएंगे, अपने सभी कार्यक्रमों को अपने अपनी परंपरा के अनुसार यहां पर संपन्न करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। और यह वैवाहिक बंधन का कार्यक्रम आप लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, देखो 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला अपने भव्य मंदिर में फिर से विराजमान हुए हैं, तो इस बार तो भगवान राम का और भी बड़ा आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना हुआ है। तो कार्यक्रम हमारा अनवरत आगे बढ़ते रहना चाहिए, इस विश्वास के साथ आप सबको मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।